2G स्पेक्ट्रम का क्या हुआ, तो जेल गया जाए। ये देश जो है नीतियों से, सिद्धांतों से, कार्यक्रमों से चलता है, चलना चाहिए। मैं अनुभव से कह सकता हूँ कि ऐसा माहौल कभी नहीं होगा। हमारा नाम दुनिया में चला गया। भीड़वाड़ा मॉडल सुना होगा आप लोगों ने। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा अगर दुनिया में बचना है तो आप हिंदुस्तान में जो भीड़वाड़ा जिला है राजस्थान में उसका मॉडल अपनाओ। आप बीजेपी में ज्वाइन किया नहीं, वॉशिंग मशीन निकलता बिल्कुल सब इज्जत होकर निकलते हैं हमारे लिए। पहुंच जाना बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने फिर घर का लाखों घरों में पहुंच गया क्योंकि लोगों ने कहा कि मोदी जी आलोचना करें मैनिफेस्टो की। वैसे ही उसे विरोध हुआ देश का। इलेक्शन कमीशन ने मना किया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मना किया, वित्त मंत्रालय ने मना किया, अरुण जेटली थे वित्त मंत्री, तब लाया गया ये इलेक्ट्रो बॉन्ड का। एक तरफा 8,500 करोड़ रुपये जमा कर लिए उन लोगों ने। आप सोचिएगा इस प्रकार का व्यवहार सरकार करी देशवासियों को। मेरे ख्याल से 10 साल पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे काम करेंगे, जो गलतियाँ बता रहे हैं उनको सुधार करेंगे। क्या हुआ, लोकपाल को भूल गए लोग, चर्चा ही नहीं, जिसके लिए अन्ना हजारे जी बैठे थे धरना देकर के इनके इशारे पर। 2G स्पेक्ट्रम का क्या हुआ, तो जेल गया क्या। कोलगेट का क्या हुआ, 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, ये प्रचार किया गया उस पर। अब क्या हुआ, 1.5 लाख करोड़ का घोटाला क्या हुआ, 10 साल में किसी जेल भेज पाया आप किसी को। इस प्रकार से माहौल बना करके ये लोग सत्ता मांगे। उम्मीदें बहुत थी मोदी जी से। 2019 के अंदर भी जिस प्रकार से बालाकोट और जो घटनाएं हुई उनको चुनाव के मुद्दे को लेकर बना दिया गया जीतने के लिए, उनका फायदा मिल गया उनको। एक साल का चुनाव जीत गए वो, अब 5 साल और हो गए। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये देश जो है नीतियों से, सिद्धांतों से, कार्यक्रमों से चलता है, चलना चाहिए। ये देश कोई जाति और धर्म के नाम पर हम भड़काएं लोगों को, वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी जो 10,000 किलोमीटर यात्रा थी, 2 यात्रा, उसमें उन्होंने हजारों लाखों लोगों से बातचीत करी। निचोड़ आपके सामने आया है 25 गारंटियों के रूप में आया। मैं 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ। मैं 73 में बन गया, जो हमारे बच्चे बैठे लगा करके इसका NHS, तब से मेरा आदि देखा। मैं अनुभव से कह सकता हूँ कि ऐसा माहौल कभी नहीं देखा मैं। तो मैं कहना चाहूँगा आपको जिस रूप में हालात बने देश के अंदर, वो बहुत गंभीर हालात थे। इनको मौका मिला 10 साल में, बहुत कुछ कर सकते थे ये, पर यहाँ की गवर्नमेंट क्या है आपको मालूम। अभी हिम्मत भाई बोल रहे थे, भरत भाई ने भी कहा कोरोना आ गया। मैं मुख्यमंत्री 3री बार बना हुआ राजस्थान के अंदर। मैं खुद देखता था कि हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए राजस्थान के अंदर, वो मैंने वो करके दिखाया, किसी को भूखा नहीं सोना दिया राजस्थान में, ऐसी व्यवस्थाएं कर। हमने सब तरह से उनको खाना पहुँचाया, गर्म बंद थे लोग, गरीब थे, रेल के स्टेशन होने वाले भी थे, उनको ढूंढवाया हम लोगों ने, करे टिकट से चलने का, रेल बसे मिलने वाले लोग थे, ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए, दबाव देके सरकार पे, भारत सरकार पे, किसी को मरने नहीं दिया ऑक्सीजन का अभाव। चार्टर प्लेन किए मैंने बॉम्बे से, दवाएं टाइम पे आनी चाहिए, एक दिन डिले नहीं होना चाहिए। और आप देखिए अहमदाबाद में क्या होता था, पूरा देश देख रहा था, अहमदाबाद प्रधानमंत्री जी का राज्य, अमित शाह का राज्य, वहाँ पर लाइन लगी हुई है कारों की, बसों की, जहाँ ट्रिप चल रही है लोगों को, ट्रिप चल रही, कितने लोग मारे गए। और सूरत के अंदर जो बांटे गए थे वो सब मालूम आपको, किस प्रकार से जो नाटक किया गया था बचाने का। बीजेपी दफ्तर से सप्लाई करने का वैक्सीन को, रेमडेसिविर दवाइयों को भी, तो आप सोच सकते हो कि
ऐसे वक्त में पूरा मुल्क प्रधानमंत्री के साथ था, हालांकि उन्होंने थाली बढ़वा दी, ताली बढ़वा दी, चोट लगवा दी, उससे बात है कि वो उनके उनका फितरे से काम करने की सब कुछ कर लिया उन्होंने। पर मैं खुद 25 बार प्रधानमंत्री के साथ में वीसी की होगी, मैंने 300 वीसी की होगी राजस्थान में, पंच तक सरपंच तक तमाम मेरे पक्ष विपक्ष के सबसे बातचीत करी, करते रहे रोज, हम करते रहे रोज, हम गाइड करते रहे, शानदार हमारी गाइडलाइन जारी होती थी, शानदार हमने प्रबंधन किया, हमारा नाम दुनिया में चला गया। भीलवाड़ा मॉडल सुना होगा आप लोगों ने, भीलवाड़ा मॉडल जो हमने किया जब वहाँ फेल गया।